हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सतरंगी कविताएं पुस्तक का हुआ विमोचन। अंबेडकर कॉलोनी स्थित प्रज्ञा संस्था में सीमा रंगा इंदिरा द्वारा रचित सतरंगी कविताएं काव्य संकलन पुस्तक का विमोचन प्रोफेसर बंशीधर तातेड़ की अध्यक्षता, प्रोफेसर मुकेश पचौरी के मुख्य अतिथि, प्रोफेसर आदर्श किशोर जानी, श्रीमान सालकराम परिहार नेशनल अवार्ड, श्रीमती ज्योति दंदेद निदेशक प्रज्ञा संस्था के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर बीडी तातेड़ ने बताया कि सीमा रंगा इंदिरा द्वारा रचित सतरंगी कविताएं पुस्तक जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालती है। कवियत्री सीमा रंगा इंदिरा में अपने काव्य संकलन में जीवन के अनेक अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने कलम, शिक्षा, संस्कृति, देश प्रेम, प्रकृति चित्रण, माता पिता की प्रेरणा, हरियाणवी जीवन शैली सहित जीवन के अनेक पहलुओं को छूने का प्रयास किया है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रोफेसर मुकेश पचौरी ने बताया कि सीमा जी की कविताएं जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। जीवन में अनेक चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनकी कविताएं हर चुनौती का जिंदा दिली से सामना करने की सीख देती है। उन्होंने कहा कि कवियत्री ने अपने माँ को स्मरण किया है, ये बड़ी बात है। समारोह में सतरंगी कविताएं काव्य संकलन की रचनाकार श्रीमती सीमा रंगा इंदिरा ने पुस्तक लेखन के दौरान के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि कविता लिखने की प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता से मिली और मेरे हमसफर श्री विक्की कुमार ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, जिनकी बदौलत मेरी कविताएं पुस्तकाकार रूप में ले सकी। उन्होंने कहा कि इंदिरा उपनाम मैंने मेरी माँ से लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में जो जिया है उन्हें कविताओं में उतारने का प्रयास किया है। उन्होंने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी व ऐसे आयोजन के लिए प्रज्ञा संस्था का आभार व्यक्त किया। प्रोफेसर आदर्श किशोर ने बताया कि सीमा जी की कविताएं आसमान को देखती हैं, लेकिन जमीन से जुड़ी हुई हैं। उनकी कविताएं मार्मिक एवं सरस हैं। श्री सालकराम परिहार ने बताया कि सीमा जी की कविताएं हर परिस्थिति का सामना करने की प्रेरणा देती हैं। डॉक्टर बी एल दंदेद ने बताया कि कवियत्री सीमा रंगा की कविताएं उनके जीवन का सार है। इस पुस्तक में संकलित 73 कविताएं जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालती है। समारोह का संचालन डॉक्टर बी एल दंदेद ने किया। प्रज्ञा संस्था की निदेशक ज्योति दंदेद ने सभी अतिथियों सहित प्रेमियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह में सम्मानित मीडिया कर्मी तथा सैकड़ों साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।